हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मदरबोर्ड के बारे में। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक मदरबोर्ड के बारे में। हम जानेंगे इसके टेक्निकल डिटेल्स को, इसके फीचर्स को और इसके प्राइस को, और हम ये जानेंगे कि इस मदरबोर्ड को आप कौन कौन से प्रोसेसर के लिए खरीद सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसर के लिए आप इस मदरबोर्ड को ना खरीदें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस मदरबोर्ड की बात करने वाले, वो है MSI की तरफ से आने वाला B450 गेमिंग प्रो कार्बन AC वाईफाई। ये एक वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, इसमें वाईफाई रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, मैंने ये बॉक्स हाथ में पकड़ा है। इसका जो वजन है वो मुझे बता रहा है कि मदरबोर्ड भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा इस बॉक्स के अंदर। तो इस मदरबोर्ड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमें क्या क्या इस बॉक्स के अंदर मिलता है। तो दोस्तों, मैंने मदरबोर्ड को अनबॉक्स कर लिया। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे क्या इसमें मिलता है। इसमें हमें मिलता है एक मैनुअल, एक ये टाइप का हमें मैनुअल मदरबोर्ड के बॉक्स में मिलता है। उसके बाद हमारे पास है दो साटा केबल्स, इसमें आपको दो साटा केबल्स मिलेंगी। इसके बाद हमारे पास में एक केबल है जो कि RGB फैन को कनेक्ट करने के लिए एक इस्तेमाल होती है, ये वाली एक केबल मिलेगी जिसे आप RGB कनेक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें मिलता है वाईफाई का एंटीना। इसमें दो हमें एंटीना मिलते हैं वाईफाई, जो मदरबोर्ड में दिया हुआ उसके पीछे लगते हैं, ये हमें मिलता है इस बॉक्स में। इसके बाद हमें इंस्टॉलेशन क्विक इंस्टॉलेशन गाइड इसमें मिलता है ये। इसके बाद में फिर हमारे पास है एक ये वाला मैनुअल है जो कि MSI के अदर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इस बॉक्स के अंदर मिलता है। उसके बाद आपके पास एक थैंक यू लेटर, अगर आपने MSI का कोई आइटम खरीदा है तो उसके साथ आपको एक थैंक यू लेटर इस टाइप का मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास एक डीवीडी मिलती है आपको, ड्राइवर की DVD ये मिलेगी। हमारे पास एक है M2 SSD वाला स्क्रू इस बॉक्स के अंदर से मिला है, और इसमें हमें एक लोगो मिलता है MSI का, ड्रैगन लोगो गेमिंग वाला। इसके बाद हमारे पास है IO पैनल जो इस बॉक्स में से मिला है। इसके बाद हमारे पास है एक स्टिकर, ये इस टाइप का स्टिकर हमें मिला है इस बॉक्स में। इस स्टिकर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मदरबोर्ड के केबल्स में लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इस पे लिखा है बूट डिस्क। तो आप इस स्टिकर को अपने उस साटा केबल में लगा सकते हैं जो आपने आपकी मेन डिस्क बनाई है, बूट डिस्क बनाई है। तो इसी तरह के और भी स्टिकर्स हैं, आप कुछ नोट या कोई ऑप्शन लिख के अपने मदरबोर्ड के वायर्स में कहीं पर भी इसको चिपका सकते हैं। तो ये वाला हमें एक स्टिकर बॉक्स में मिला है। तो दोस्तों, बॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जानदार और शानदार चीज़ जो है वो है मदरबोर्ड, जो कि ये रहा मेरे हाथ में। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसे देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके दिल में वाकई में एक फीलिंग आएगी कि यार ये वाकई में एक गेमिंग मदरबोर्ड है। इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और जानदार है, और वाकई में एक गेमिंग मदरबोर्ड की तरह लगता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रैम स्लॉट की। तो इसमें आपको 4 रैम स्लॉट मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं 128 GB तक, 128 GB तक की रैम सपोर्ट करता है। वहीं रैम की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3466 3466 तक की रैम सपोर्ट करता है। वहीं ग्राफिक्स स्लॉट की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 ग्राफिक्स के स्लॉट मिलते हैं। पहला वाला जो ग्राफिक्स का स्लॉट है वो स्टील से कवर्ड है, स्टील आर्मर से कवर्ड है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आगे बात करें तो इसमें आपको 2 M2 SSD वाले स्लॉट मिलते हैं। पहला जो M2 SSD वाला स्लॉट है वो M2 Shield एक हीट सिंक से कवर है, तो आपकी जो SSD है वो काफ़ी कूल रहेगी। तो दोस्तों, आगे बात करता हूँ तो इसमें आपको 6 साटा स्लॉट मिलते हैं, 6 डिवाइसेस आप SSD हार्ड डिस्क अपनी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 5 फैन के कनेक्टर मिलते हैं, यानी आप 5 फैन इसमें कनेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग CPU, यानी CPU को हटा के आप 4 और एक्स्ट्रा इसमें फैन कनेक्ट कर सकते हैं। वही आगे बात करते हैं तो इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का जो पंप होता है उसके लिए एक पैनल मिलता है। इसके अंदर आपको एक RGB हेडर भी मिलेगा, इसमें आपको एक कॉर्सर का कनेक्टर भी मिलेगा, कॉर्सर के जो RGB वाले फैन आते हैं वो कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें कनेक्टर मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है, साथ में RGB मदरबोर्ड भी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक RGB है, जब इसे हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे पूरा RGB जलेगा, और ये जो इसकी मेन चिप है इसके नीचे भी RGB है, यहाँ पे RGB जगमगाएगा जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, जो इसका साउंड है वो ऑडियो बूस्ट 4 टेक्नोलॉजी वाला इस्तेमाल किया है, तो बहुत ज़बरदस्त इसमें साउंड आएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये मदरबोर्ड है, बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड ये है। काफ़ी सारे इसमें आपको फीचर मिलते हैं, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें काफ़ी वजन है, और इसका जो PCB है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो ये PCB है ये बहुत ही शानदार है, तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट है गेमिंग मदरबोर्ड है ये B450 चिपसेट का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बैक साइड की, कि बैक साइड में क्या क्या आपको उसमें पोर्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साउंड का। तो इसमें आपको साउंड का 7.1 वाला पोर्ट मिलता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया इसमें साउंड आएगा। उसके बाद बात करते हैं तो आपको यहाँ पे टाइप ए और टाइप सी के USB के पोर्ट मिलते हैं। उसके बाद आपके पास है USB 3.1 के आपके यहाँ पे 2 पोर्ट मिलते हैं। इसमें आपको एक लैन का पोर्ट मिलता है जो कि है गेमिंग लैन, कंपनी ने इसको जो नाम दिया है वो है गेमिंग लैन। इसके बाद आपको वाईफाई के इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 2
कनेक्टर मिलते हैं, इसके बाद आपके पास है HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट, इसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे USB 2.0 के दो पोर्ट, एक PS2 कीबोर्ड माउस का पोर्ट। तो दोस्तों बैक साइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो बटन है इस मदरबोर्ड में वो है BIOS को फ्लैश करने का बटन। तो दोस्तों ये बटन का काम ये होता है कि मान लीजिए आप कभी अपना BIOS अपडेट कर रहे हैं और BIOS अपडेट करते करते आपका सिस्टम अचानक बंद हो जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका जो BIOS है वो बीच में रुक जाएगा, अपडेट नहीं हो पाएगा। तो फिर आप इस बटन के थ्रू इस बटन को दबा के अपना पूरा जो BIOS है मदरबोर्ड का वो फैक्ट्री मोड में रीसेट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि क्या क्या फीचर्स मदरबोर्ड में आपको मिल रहे हैं, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वाला मदरबोर्ड है। तो दोस्तों अब हम इसे देखेंगे चला के कंप्लीट करके, थोड़ा देखते हैं कि ये चलने के बाद कैसा लगता है, इसमें कहाँ कहाँ RGB लाइटिंग है और कहाँ कहाँ पर RGB लाइट जो इसमें जगमगाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस मदरबोर्ड को कनेक्ट कर लिया है SMPS से और ये चल रहा है। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड की खास बात ये है कि बिना प्रोसेसर और बिना रैम के भी चल जाता है, बिना प्रोसेसर बिना रैम के भी ये पावर देता है, देखिए आप ये चल रहा है। तो दोस्तों इसका ये जो फीचर है बिना रैम और बिना प्रोसेसर के चलने वाला ये जो काम आता है हमारे BIOS का जो बटन होता है BIOS को रीसेट करने के काम आता है। आप बिना प्रोसेसर और बिना रैम के इस मदरबोर्ड को स्टार्ट करके BIOS का बटन दबा के सारा का सारा इसका जो BIOS है वो फैक्ट्री मोड में रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें बताया था कि इसमें RGB भी होती है, जैसा कि बताया था यहाँ पे RGB होगी, देखिए यहाँ पे एक RGB हो रही है और ये इसकी जो मेन चिप है यहाँ पे भी RGB है, ये अभी आपको नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग है, मैं लाइट को बंद करता हूँ अभी, ये देखिए दोस्तों मैंने लाइट को बंद कर दिया, अब आप बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे कि यहाँ पे RGB हो रही है, देखिए यहाँ RGB है पूरी, एक पूरी स्ट्रिप जो है वो RGB है और जो इसकी मेन चिप है देखिए यहाँ पे भी RGB हो रही है। हालांकि मैंने अभी इसे ओपन करके चलाया है लेकिन जब आप इसे किसी कैबिनेट में कसेंगे तो बहुत बढ़िया लुक ये देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉस्ट की, मदरबोर्ड की कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड की जो करंटली कॉस्ट है वो है 12,500 रुपये से लेकर 13,000 के बीच में। हालांकि ये जो मदरबोर्ड है कुछ समय पहले 11,500 से लेकर 12,000 के बीच में मिलता था लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण इम्पोर्ट जो है वो कम हो गया है चाइना से या बाहर से, तो इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ गई है जो कि अब हो गई है 12,500 से लेकर 13,000 के बीच में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने इस मदरबोर्ड को चलाया प्रोसेसर के साथ में कनेक्ट करके चलाया, बहुत बढ़िया लग रहा है, जो RGB इसमें लगी हुई है इसकी वजह से बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि अभी मेरी शॉप में उजाला है, सनलाइट है तो ज़्यादा यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन अगर आप रात को इसे चलाएंगे तो बहुत बढ़िया मदरबोर्ड जगमगाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है, इसके अंदर जो आपको फीचर मिलते हैं जो कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और जो इसका PCB है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि ये मदरबोर्ड आप कौन कौन से प्रोसेसर के लिए खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं Ryzen 5 सीरीज़ की, तो Ryzen 5 सीरीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, Ryzen 5 3600 और 3600H के लिए एकदम परफेक्ट ये मदरबोर्ड रहेगा। अब वहीं बात करते हैं बड़े प्रोसेसर के लिए, तो दोस्तों कभी भी मैं B450 वाला जो मदरबोर्ड होता है वो बड़े प्रोसेसर जैसे कि Ryzen 3700X या फिर 3900 के लिए रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, लेकिन ये वाला जो मदरबोर्ड है उसको मैं 100% रिकमेंडेड कर सकता हूँ क्योंकि ये जो मदरबोर्ड की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, PCB है और इसके अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं वो एक X570 मदरबोर्ड की तरह ही इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप इसको आसानी से बड़े प्रोसेसर के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको एक लिक्विड कूलिंग लगानी होगी, जैसा कि हमने ये वाली इस टाइप की कोई आप हैवी लिक्विड कूलिंग लगाए जिससे कि आपका मदरबोर्ड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया हमने इस मदरबोर्ड का रिव्यू कर लिया है, हमने इसके फीचर्स को देख लिया, टेक्निकल डिटेल्स को देख लिया, सारी की सारी क्वालिटीज़ को हमने देख लिया है, साथ ही हमने इस मदरबोर्ड को चला के भी देख लिया है कि चलने के बाद इसका लुक कैसा आता है और इसका जो फीचर है बिना रैम और बिना प्रोसेसर के चलने वाला वो भी हमने देख लिया है, इसमें जो RGB किस तरह से जगमगाती है वो भी हमने देख लिया। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये मदरबोर्ड है, बहुत फर्स्ट क्लास एक अच्छा मदरबोर्ड है B450 चिपसेट का। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड की खास बात यह कि बिना प्रोसेसर बिना रैम के चल जाता है। दूसरी खास बात यह कि ये जो मदरबोर्ड है B450 चिपसेट का एकमात्र मदरबोर्ड है जो 128GB तक 128GB तक की रैम सपोर्ट करता है। दूसरे जो मदरबोर्ड आते हैं जैसे कि आसूस का टफ B450 प्लस गेमिंग हुआ या फिर MSI का ही B450 टोमक मैक्स हुआ, ये सब 64GB तक की रैम सपोर्ट करते हैं। वहीं जो इस मदरबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी है वह बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें काफ़ी सारी हीटिंग दी हुई है, बहुत एडवांस टाइप का ये B450 चिपसेट का मदरबोर्ड है और आप इस B450 चिपसेट के मदरबोर्ड को बड़े प्रोसेसर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि 3700X या फिर 3900X के लिए, लेकिन एक अच्छी लिक्विड कूलिंग के साथ में आप इस मदरबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई PC बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग कंपोनेंट खरीदना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर आप बनाना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.ontourcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर को विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लालघाटी स्क्वायर भोपाल में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या फिर इसी प्रकार की और भी टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।